हेलो फ्रेंड्स, आई एम कपिल यादव। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फार्म मैनेजमेंट प्रोडक्शन एंड रिसोर्स इकोनॉमिक्स के हिंदी एमसीक्यूज। कुछ हिंदी एमसीक्यूज मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं दोस्तों, इसलिए सिलेबस बेस्ड एमसीक्यूज लेकर आया हूँ। दोस्तों आइए तो बिना देरी करते हुए शुरू करें। दोस्तों ये एमसीक्यू सिलेबस बेस्ड हैं। दोस्तों एमसीक्यूज तो बहुत लोग यूट्यूब पे शेयर करते होंगे, बट उन लोगों को पता नहीं रहता कहाँ से लेकर आए हैं, कौन सा क्वेश्चन है सिलेबस में है या नहीं है। तो दोस्तों मैं कपिल यादव, बीएससी एग्रीकल्चर सिक्स सेमेस्टर का आपका सहपाठी, सिलेबस बेस्ड क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये दोस्तों आपका सिलेबस था, आप सिलेबस भी पढ़ लीजिए फिर क्वेश्चन दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने से पहले आप सिलेबस का जरूर ध्यान रखिए, ये भी जरूर देख लीजिए सिलेबस में है या नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन लाने वाले को लाइक सब्सक्राइब व्यूज के चक्कर में पता नहीं क्या कौन सा कंटेंट आपको दे सकता है। तो दोस्तों आइए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, उत्पादन की लागत को अर्थशास्त्र के किस सिद्धांत का प्रयोग करके न्यूनतम किया जा सकता है। तो निम्न लागत संयोजन के सिद्धांत का उपयोग करके अर्थशास्त्र के सिद्धांत का प्रयोग को न्यूनतम, इसकी लागत को न्यूनतम किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर दो, सम सीमांत प्रतिफल सिद्धांत का नियम लगाया जाता है जब साधन सीमित होते हैं। जब साधन सीमित होते हैं तो उससे सम सीमांत प्रतिफल के नियम को कहा जा सकता है या लगाया जाता है। नंबर तीन, क्या निर्गत की बढ़ोतरी होने पर कुल लागत और प्रति परिवर्ती लागत में वृद्धि होती है। तो ट्रू। क्वेश्चन नंबर चार, उत्पादन का स्तर मिलता है उत्पादन की दूसरी अवस्था में। क्वेश्चन नंबर पाँच, क्रमागत हास उत्पादन नियम के प्रयोग से लाभ अधिकतम होगा जब, कब लाभ अधिकतम होगा, जब सीमांत लागत सीमांत उत्पादन के बराबर होगी। तो दोस्तों प्रोडक्शन अधिकतम होगा, इंक्रीज तभी होगा जब सीमांत लागत और सीमांत उत्पादन के बराबर, दोनों बराबर होगी, यानी एम सी बराबर एम आर। क्वेश्चन नंबर सिक्स, जब सीमांत उत्पादन घट रहा हो लेकिन शून्य से अधिक होगी तब कुल उत्पादन घटती हुई दर से बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर सात, उत्पादन के साथ साधन दोस्तों दोबारा साधन साधन लिख गया है, इसलिए इसको आप एक ही बार पढ़िए। उत्पादन के साधन भूमि श्रम पूंजी संगठन और साहस, पांच उत्पादन के साधन हैं। क्वेश्चन नंबर आठ, जब सीमांत उत्पादन लागत से अधिक हो तो उत्पादन पर निवेश करने से लाभ होगा। क्वेश्चन नंबर नौ, जब सीमांत उत्पादन बढ़ती हुई दर से बढ़ता है तो कुल उत्पादन बढ़ती हुई दर से घटता है, सेम ऊपर वाले क्वेश्चन का उल्टा था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर टेन, अधिकतम लाभ होता है जब सीमांत लागत सीमांत आय के बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर टेन रिपीट हो गया दोस्तों, ऊपर क्वेश्चन नंबर फाइव वही है। क्वेश्चन नंबर 11, सबसे कम लगातार निवेशों की मात्रा प्राप्त की जाती है जब डेल्टा एक्स लेस देन ग्रेटर देन एक्स अपॉन एक्स। क्वेश्चन नंबर 12, सम लागत रेखा का ढाल दर्शाता है लागत मूल्यों का अनुपात। क्वेश्चन नंबर 13, सीमांत लागत वक्र औसत लागत वक्र को तब काटता है जब औसत लागत अधिकतम हो। क्वेश्चन नंबर 14, सम सीमांत का प्रतिफल सिद्धांत व्याख्या करता है आगत संबंध। दोस्तों आप लोगों के लिए मैंने कुछ हमारे फर्रुखाबाद के फ्रेंड्स और कुछ लखीमपुर के सीतापुर के कुछ प्राइवेट कॉलेज के फ्रेंड्स, क्वेश्चन हिंदी में पढ़ने में ज़्यादा उनको अच्छा लगता है तो मैंने हिंदी में क्वेश्चन बनाया है। दोस्तों ऊपर की क्लास एक हिंदी में है, इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश में उसे प्रोवाइड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, असमान प्रतिफल के नियम को लागू होने से नहीं रोका जा सकता है उत्पादन के संबंधों में भिन्नता रखकर। क्वेश्चन नंबर 16, प्रक्षेत्र प्रबंध एक विज्ञान है अंतरा प्रक्षेत्र विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 17, सीमांत उपज के शून्य यानी ऋणात्मक होने पर उसका कुल उपज पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो कुल उपज घटती है। क्वेश्चन नंबर 18, सीमांत प्रतिफल का सिद्धांत यह व्यक्त करता है कि सबसे अधिक मुनाफे के लिए इकाई संसाधनों का वहां उपयोग होगा जहां सीमांत प्रतिफल अधिकतम होगा। क्वेश्चन नंबर 19, जब अधिकतम सिद्धांतों में कौन सा एक किसान को अपने सीमित साधनों दो भिन्न भिन्न उद्यमों में लगाने में मदद करता है, अपने सीधे साधनों को दो भिन्न भिन्न उद्यम में लगाता है, सम सीमांत प्रतिफल का नियम कहते हैं। जिस जब किसान के पास सीमित दो ही साधन होते हैं और उन दोनों साधनों को भिन्न भिन्न उद्यमों में लगा देता है अधिक आय प्राप्त करने के लिए, तो इस प्रकार के
सिद्धांत को सम सीमांत प्रतिफल का नियम, इस प्रकार के नियम को सम सीमांत प्रतिफल का नियम कहते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20, यदि उत्पादन फलन घात एक का सम घाती है तो उत्पादन की प्रत्यक्ष माप होगी एक के बराबर। क्वेश्चन नंबर 21, संसाधन की कमी होने पर कौन सा सिद्धांत काम उत्पादन में लाया जा सकता है, तुलनात्मक सिद्धांत। दोस्तों संसाधन की कमी होगी, रिसोर्स हमारे पास नहीं होंगे या बिल्कुल कम होंगे, तो तुलनात्मक लाभ काम में लाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 22, क्षेत्र प्रबंध के विश्लेषण हेतु कितने उपकरण प्रयोग में लाते हैं, तीन। क्वेश्चन नंबर 24, क्षेत्र प्रबंध एक है सूक्ष्म इकाई माइक्रोइकोनॉमिक्स। क्वेश्चन नंबर 25, फार्म पर चल लागत है। दोस्तों चल लागत क्या है, तो चल लागत मानव श्रम बीज खाद सिंचाई दवाएं, ये चल लागत हैं। ये दोस्तों चल लागत है यानी फिक्स्ड कॉस्ट है, ये फिक्स रहती है। दोस्तों चल लागत क्या है, जो मतलब जिन पर रेट कम से कम मतलब चल लागत जो घटता बढ़ता रहता है, सॉरी ये फिक्स लागत नहीं, ये वेरिएबल कॉस्ट है, ये घटती बढ़ती रहती है। तो और ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26, परिवर्ती लागत प्राथमिक लागत ही कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक कर लीजिए दोस्तों, स्थिर लागत को कहते हैं ओवरहेड या सक लागत। क्वेश्चन नंबर 28, सीमांत लागत बराबर होती है कुल लागत में परिवर्तन या आउटपुट में परिवर्तन के। क्वेश्चन नंबर 29, औसत लागत बराबर होती है कुल लागत के आउटपुट लागत के। क्वेश्चन नंबर 30, लागत फलन और उत्पादन फलन के बीच संबंध ऋणात्मक होता है। क्वेश्चन नंबर 31, प्रक्षेत्र प्रबंध का उद्देश्य अंततः कारकों का उपयोग अनुकूलतम करना। क्वेश्चन नंबर 32, किस प्रकार की लगान को ओवरहेड भी कहते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट को। दोस्तों वो भी ऊपर बताया गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिक्स्ड कॉस्ट को ओवरहेड की कॉस्ट भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, वेरिएबल कॉस्ट को परिवर्तनशील लागत या मुख्य या प्राइम कॉस्ट भी कहते हैं। दोस्तों वेरिएबल कॉस्ट फिक्स नहीं होती है या घटती बढ़ती रहती है, इसलिए चल लागत कहते हैं या वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। चल लागत का साधारण सा अर्थ है चलता फिरता। क्वेश्चन नंबर 34, यदि उत्पादन शून्य है तो वेरिएबल कॉस्ट शून्य होगी। जब उत्पादन शून्य होगी तो चलती फिरती लागत भी शून्य होगी। शून्य वेरिएबल कॉस्ट में कौन आते हैं, से यही आते हैं सब, लेबर श्रम, यही मतलब लेबर और बीज खाद। जब उत्पादन तुम्हारा होगा नहीं, जब बोगे नहीं कुछ, तो सब शून्य ही होगा। क्वेश्चन नंबर 34 35, अवसर लागत को प्रतिस्थापन लागत या वैकल्पिक लागत कहते हैं, इसे सामाजिक लागत भी कहते हैं। सोशल कॉस्ट है वो आपकी है अवसर लागत। क्वेश्चन नंबर 36, जब दो या दो से अधिक वस्तुओं का उत्पादन एक साथ किया जाए, अर्थात गेहूं और भूसा, मोस्ट इंपॉर्टेंट से भी है दोस्तों, गेहूं और भूसा लेते हैं तो उसे ज्वाइंट कॉस्ट कहते हैं या संयुक्त लागत कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, आर्थिक लागत बराबर स्पष्ट लागत प्लस अस्पष्ट लागत। जब मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेट से अधिक होती है, MC ग्रेटर देन MR, तब किसान के उत्पादन करने में कठिनाई होती है। दोस्तों IAS स्टार लगा हुआ क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों मैं अपने वीडियो को फेमस करने के चक्कर में बिना सिलेबस के क्वेश्चन नहीं रखता हूँ इधर उधर से, और जो भी क्वेश्चन मिलेगा स्टैंडर्ड बुक से मिलेगा और ड्यू टू सिलेबस के मिलेगा। एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन बढ़ाने से वेरिएबल कॉस्ट में जो परिवर्तन आता है उसको मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। जब मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेट के बराबर होती है, मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू मार्जिनल रेट, तब किसान को उत्पादन करने में लाभ होगा। किसान उत्पादन करने में तभी लाभ होता है जब MC इक्वल टू MR, उसका कॉस्ट भी बराबर होगी, उसकी रेट यानी उसकी आय भी बराबर होगी। दोस्तों ये भी RS RTS का क्वेश्चन पूछा गया है और ये संभवतः एग्जाम में भी पूछा जाने वाला है। तो 3 मोस्ट पॉइंट फॉर कॉस्ट, लागत के लिए कुछ 3 पॉइंट दिए गए हैं, देखते हैं दोस्तों। उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर फिक्स्ड कॉस्ट समान होती है। नंबर 2, उत्पादन के स्तर में परिवर्तन के साथ वेरिएबल कॉस्ट भी बदलती रहती है। उत्पादन जब करेंगे आप तो ये चल लागत वेरिएबल कॉस्ट है, ये भी परिवर्तित रहती होती रहती है, बदलती रहती है। क्वेश्चन वो तीसरा पॉइंट क्या है दोस्तों, उत्पादन बढ़ाने से लागत टोटल कॉस्ट व वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती है। जाहिर सी बात दोस्तों, जब आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, तो टोटल जो कॉस्ट है वेरिएबल कॉस्ट भी, टोटल कॉस्ट वेरिएबल दोनों आपकी
सेम होती हैं, दोनों कॉस्ट बढ़ेगी। इस क्वेश्चन नंबर 38, इसमें कुल उत्पादन घटती हुई दर से बढ़ता है, उत्पादन घटती दर से बढ़ता है, पहले एक होगा, दो, तीन, चार, पाँच, छः, इस तरह से बढ़ता है, इसलिए सीमांत तथा औसत उत्पादन दोनों ही घटने लगते हैं। इसे उत्पत्ति ह्रास का नियम कहते हैं या लॉ ऑफ डायमिनिशिंग रिटर्न। क्वेश्चन नंबर 40, आधुनिक अर्थशास्त्री उत्पत्ति ह्रास के नियम को कौन सी संज्ञा देता है, लॉ ऑफ डायमिनिशिंग को कौन सी संज्ञा देता है, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम, जब बढ़ती घटती है तो परिवर्तनशील होगी। क्वेश्चन नंबर 41, अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में उत्पत्ति ह्रास का नियम शीघ्रता से लागू होता है, कृषि क्षेत्र, क्योंकि कृषि क्षेत्र में श्रम विभाजन का अभाव होता है। क्वेश्चन नंबर 42, अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण सिद्धांतों मार्थस का जनसंख्या, रिकार्डो का लगान तथा वितरण उत्पादकता सिद्धांत आदि किस सिद्धांत पर आधारित है, उत्पत्ति ह्रास के नियम पर, लॉ ऑफ डायमिनिशिंग रिटर्न। क्वेश्चन नंबर 43, उत्पादन ह्रास नियम के अनुसार अधिक आर्थिक लाभ किस बिंदु पर प्राप्त होता है, जहां सीमांत उत्पादन औसत उत्पादन के बराबर होगा, मार्जिनल प्रोडक्शन बराबर एडिशनल रेट होगा, जहां सीमांत उत्पादन के बराबर होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44, एक मिनट दोस्तों, गायब हो गया है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 44, उत्पादन का आदर्श स्तर कहाँ मिलता है, दूसरी अवस्था की प्रोडक्शन में। क्वेश्चन नंबर 45, प्रक्षेत्र प्रबंध का उद्देश्य है कारकों का अनुकूलतम प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 46, सम सीमांत प्रतिफल सिद्धांत की संज्ञा दी गई है, विकल्प लागत का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 46, जब सीमांत उपज शून्य होती है, जब मार्जिनल प्रोडक्शन जीरो होता है, तो कुल उपज अधिकतम होती है। क्वेश्चन नंबर 48, कौन सी भूमिगत लगान रहित होती है, सीमांत भूमि लगान रहित होती है, गोसेन का प्रथम नियम। क्वेश्चन नंबर 48, गोसेन का प्रथम नियम, उपयोगिता ह्रास का नियम, तृप्ति का नियम। क्वेश्चन नंबर 50, अत्यधिक लोचदार मांग प्रायः किस प्रकार के वस्तुओं में पाया जाता है, विलासिता की वस्तुओं में। क्वेश्चन नंबर लास्ट एंड इंड क्वेश्चन नंबर, भारत में सर्वप्रथम न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित हुआ, 1948 में। थैंक यू दोस्तों वाचिंग के लिए, कोच कपिल यादव मेरा यूट्यूब चैनल है, आपका सहपाठी बीएससी एग्रीकल्चर 6th सेमेस्टर। प्लीज़ अगर जो समझ में आए लाइक शेयर सब्सक्राइब अगर कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, तो क्लास यहीं पर एंड होती है, अगली क्लास अगर कुछ कंटेंट मिलेगा तो आपको ज़रूर प्रोवाइड कराऊंगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम। थैंक यू दोस्त, धन्यवाद।